कपासंध भेद तीता नाम पावने भेदो कृष्णे नमो नमः ओ मज्ज्यानं दिम्रण्धसि ज्ञानं जन्य शलाकया चक्षुरुन मिलितम् येन तस्मयि श्री गुरुवे नमः गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो हरे कृष्ण सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है गुरु वैष्णव से हम लोग चैतन्य शिक्षा स्थकम के अंतर्गत कर्चा करलाए ये तो दर्पण मार्गनम भव महादाबाग निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरनम विद्या वधु जीवनम आनंदाम अमृतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृतास्वादनम सर्वात्मसन्बलम परम भेजाए थे श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो जय ही नहीं परम विजय हो जो कि संसार में जीवों को सात प्रकार के फल देकर कृतार्थ करने वाला है सात प्रकार के फल जिसमें कि साधकों के लिए चार फल पहला रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है जिसके मार्जित होते ही हम सब चीजों को यथावत देख पाएंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार कर पाएंगे आत्मा का भी साक्षात्कार होगा मन का भी साक्षात्कार होगा बुद्धि का भी साक्षात्कार होगा अहंकार का भी साक्षात्कार होगा चित्त का साक्षात्कार होगा सब चीजें इंद्रियों के भी साक्षात्कार होंगे शरीर का तो साक्षात्कार आज हम करके बैठे ही हैं इंद्रियों को भी हम नहीं अनुभव कर पाते शरीर के स्तर पर ही मात्र ज्यादातर लोग जीवन जीते हैं इंद्रियों का सुख दिन नहीं मिल पाता संसार में ये चित्रूपी दर्पण के मार्जन से ही होगा जो कि केवल श्री कृष्ण संकीर्तन ही दे सकता है दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापनम उसकी भी चर्चा कर चुके हैं संसार में जो धावाग्नि महादावाग्नि महा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में अनंत काल से हम जलते चले जा रहे हैं, बोले शांत हो जाएगी इससे हमें छुटकारा प्राप्त हो जाएगा तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम ये श्री कृष्ण संकीर्तन चंद्रमा की तरह है जो कि चंद्रिका वितरण करता है क्या करने के लिए बोले श्रेय रूपी पुष्पों को खिलाने के लिए श्रेय रूपी फूलों को खिलाने के लिए हमारे जीवन में जैसे गुण होते हैं जिनके द्वारा हमारा कल्याण होता है वो सब गुण हमारे में अपने आप ही खिलने लग जाते हैं जितने भी अवगुण होते हैं जो हमें प्रेय की तरह अच्छे तो लगते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं होते लंबे समय समय तक सोना कुछ भी खाना कहीं भी घूमना फिरना ये सब गुण नहीं है अवगुण है जो कि प्राय हम सबको अच्छे लगते हैं मन मर्जी के अनुसार जिधर शरीर शेर उठा दिया बस उधर ही चल पड़े ऐसे तो कुत्ते बिल्ली गधा सुअर आदि घुमा करते हैं जिधर किया उधर ही हबड़ हबड़ करके खाने लग गए ये जानवरों की वृत्ति है ये अवगुण है जो प्राय जीव को प्रिय तो लगते हैं लेकिन कल्याणकारी नहीं जो कल्याणकारी हैं अमानित्व अधम्बित्व अहिंसा ये सब गुण उस भक्त के अंतर्गत स्वयं आ जाते हैं जो कृष्ण कीर्तन का आश्रय लेता है और इसकी घोषणा गीता में भी भगवान ने किया कि कोई व्यक्ति अगर भजनती अगर भजन कर रहा है अपीच सु दुराचारो अगर दुराचारी भी है भजते माम अनन्य भाग अगर उसने अनन्य आश्रय लिया है कृष्ण नाम का लेकिन वो बेचारा दुराचार कर रहा है अर्थात दुराचारी नहीं बोले सु दुराचार कर रहा है जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे ऐसे भयानक दुष्कर्म किसी व्यक्ति से हो जाए और वो व्यक्ति साथ में बेचारा भजन भी कर रहा है देखो गीता में जो बातें भगवान ने कृपा करके समझाई है ना हम सभी लोग समझ नहीं पाते हम लोगों के अवगुणों को ज्यादा देखते हैं क्योंकि अवगुणों की महिमा हमने सुनी है लेकिन भजन करने का जो गुण है कृष्ण कीर्तन का जो गुण है कृष्ण नाम को गाने का जो गुण है नाम रूप गुण लीला धाम जन अगर इसे कोई गाता है इसका कोई आश्रय लेकर के बैठा है तो ये गुण की महिमा हम जानते नहीं जानते नहीं है तुम्हारे ऐसे भजन करने से तुम्हारा क्या होगा सौ चूहे खा करके बिल्ली हज को चली है अरे बिल्ली हज को जा रही तुम तो अभी भी चूहे ही खा रहे हो साथ में वो बेचारी चूहे खाते खाते भी हज को जा रही है तो एक ना एक दिन हज को पहुंच जाएगी हज की कीमत नहीं पता है लोगों को एक उदाहरण दिया जा रहा है बाकी भक्ति की कीमत नहीं पता है भक्ति के संकीर्तन की कीमत नहीं पता है कि अगर कोई व्यक्ति संकीर्तन का आश्रय ले रहा है ऐसी थोड़ी ना भगवान किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं अपने चरणों में भगवान ने क्या कहा रामायण में भगवान कह रहे पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चरा चर को सर्व भाव भजी कपट तजी सोहे परम प्रिय मोय चर अचर भी बोले मेरी शरण में आ सकते हैं नपुंसक भी मेरी शरण में आ सकता है पुरुष भी आ सकता है स्त्री भी आ सकता है पुरुष नपुंसक नारी वा कुत्ते बिल्ली घास सुअर पेड़ पौधे सब मेरी शरण में आ सकते कोई भी व्यक्ति मेरी शरण में आता है सर्व भाव भजी कपट तजी सिर्फ भावना से मेरा भजन करता है। और कुछ नहीं सो ही परम प्रेम मोह वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है वहां ऐसा नहीं लिखा ये ये तपस्या की होनी चाहिए इसने ये सारे गुण उसके अंदर आ जाने चाहिए तभी मैं उसको प्यारा मानूंगा नहीं वो सिर्फ भजन कर रहा है भगवान उसको प्यार करते हैं यही बात गीता में भगवान ने बताया कि अपिचे सुदुराचारो अगर कोई सुदुराचारी भी है लेकिन मेरा भजन में लग गया है मेरी भक्ति को करता है मेरा नाम जपता है मेरे रूप को दर्शन करता है मेरे गुणों का गान करता है मेरी लीलाओं का चिंतन करता है मेरी लीलाओं को गाता है मेरे धाम में वास करता है मेरे भक्तों का आश्रय लेता है ऐसा अगर कोई व्यक्ति है अनन्य भाव से आश्रय लेता है बस कंडीशन है, किसी और का आश्रय नहीं लेता अनन्य भाव से मेरा ही भजन का आश्रय भजते माम अनन्य भाव साधु रेव सब मंतव्य उसे साधु ही मानना सम्यक व्यवस्थितो ई क्यों को अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर के भजन तो कर रहा है जैसे तैसे करके गलती से पूर्व के कर्म कारण या संस्कार के कारण बेचारा थोड़ा बहुत किसी दुराचारी नहीं, सुदुराचार में फंस भी जाए तो भी उसको साधु मानना ये भजन का प्रताप है ये भक्ति का प्रताप है ये भक्ति की शक्ति है बोले क्यों तो बहुत दुराचारी बोले बहुत ही धर्मात्मा गीता में भगवानों में अध्याय जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगा इसलिए ये हमें सीखना पड़ेगा रूपी फूल बहुत जल्दी ही खिल जाएंगे जीवन में जितने भी गुण हैं जिनसे वास्तव में कल्याण होने वाला है ये श्री कृष्ण संकीर्तन उन सभी गुणों को खिलाने वाला है और अवगुणों की जितनी भी कांटे हैं उन सबको उखाड़ करके फेंक देगा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम जैसे जैसे चंद्रिका का प्रकाश आएगा जैसे जैसे हम हरिनाम का आश्रय लेंगे हरिनाम उस चंद्रमा की तरह है जीवन में कंडीशन ध्यान रखें यह हरिनाम लेना ही पड़ेगा कृष्ण कीर्तन का आश्रय लेना ही पड़ेगा फिर क्या होगा श्रेय रूपी फूल खिल जाएंगी चौथा फल कौन सा आएगा बोले विद्या बहु जीवनम विद्या भी जागृत हो जाएगी और ये विद्या ऐसी जागृत होगी जो बहु के सदृश होगी जो शील गुण वाली होगी जो विनम्र होगी जो मृदुता से भरी होगी ये सब लक्षण उस बहु के अंतर्गत होंगे और शाश्वत लक्षण होंगे ऐसा नहीं कि नई नई बहु गई है उतनी देर के लिए ऐसे लक्षणों को प्रकाशित करती बाद में चल करके अपना असली रूप दिखा दे हाँ जैसे उतना गई थी बड़ी सज धज के गई थी लेकिन बाद में चल के उसने अपना भयानक रूप दिखा दिया जो पढ़ाए संसार में देखने को मिलता है लेकिन जब कोई व्यक्ति भजन करता है भक्ति करता है तो उसके साथ ऐसा नहीं होता उसके अंदर मृदुता और बढ़ती चली जाती विनम्रता और बढ़ती चली जाती ये सब शाश्वत लक्षण होते हैं जो कृष्ण कीर्तन से आते हैं पढ़ने लिखने से नहीं आते कोई व्यक्ति पीएचडी कर ले डॉक्टर कर ले बीएड कर ले एम एड कर ले कुछ भी कर ले ये सब लक्षण नहीं आते अभी जैसे मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी तो मैंने भी कर लिया लेकिन क्या ये लक्षण मेरे अंदर आ गए नहीं आए मेरे पीएचडी होल्डर जितने सारे मैंने लोगों को देखा बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में ज्यादातर सिगरेट ही थे और उस पैकेट पे लिखा रहता इट इज इंजूरियस टू हेल्थ इतना सा भी वो पढ़ लिखने के बाद नहीं देख पा रहे कि हम गलत कर रहे हैं ये भी समझ नहीं आती ये सब समझ कृष्ण कीर्तन करने से आ जाती तो ये चौथा फल है पांचवा फल था आनंदाम अमुदी वर्धनम आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है लेकिन वो आनंद तो भाई हमें अनुभव में ही नहीं है वो आनंद को तो हम जान ही नहीं सकते क्योंकि हम तो दूसरे आनंद में लोट पोट हो रहे ना कौन से आनंद में हम डूबे हुए हैं इंद्रियों के आनंद में डूबे हुए हैं जड़ इंद्रिय ताहे काल ये इंद्रियों का आनंद ऐसा है कि इंद्रिय हमें आनंद का एक ऊपर से प्रदर्शन कराती है एक लड्डू का अनुभव तो कराती है भैया तुम लड्डू खा रहे हो मोदक है इसको खा लो बहुत आनंद आएगा लेकिन आचार्य कहते हैं ये मोदक नहीं है ये विषमोदक है ये जहर के लड्डू हैं खाओ और मर जाओ ये जीव को बचा नहीं पाते जिसको कि गीता में भी भगवान ने बताया ये ही संस्पर्श जा भोग ये संस्पर्श जो भोग है जो इंद्रियों के स्पर्श के माध्यम से विषय जब आ जाता है तब उसके द्वारा जो भोग प्राप्त होते हैं दुख योन ये दुख की योनी है जहां से संतान उत्पत्नी उत्पत्ति होती है उसको योनि कहते हैं दुख योन यहां से दुख पैदा होता है इसलिए इसको दुख की योनि कहा दुख की योनि मतलब जहर के लड्डू है किस चीज के लिए दुख के लिए आदि अंत वंत कौनते इसकी शुरुआत है और इसका अंत भी है आदि है और अंत है और हम कैसे हैं हम सनातन है हमारे ना आदि है ना अंत है इसलिए आद्य अंत वंत कौनते नुदाहा कोई व्यक्ति कहे मेरे को तो इसी में मजा आ रहा है कोई बात नहीं अरे भैया इसकी शुरुआत और अंत भी हो जाएगा ज्यादा समय तुम सुअर बन करके भी कोई कहे कि मैं मल खाने में बहुत आनंद आ रहा है गरम गरम हलवा को पीछे छोड़ दे रहा है तो हाँ हो सकता है और ये सच भी है शास्त्र के अनुसार जो आनंद इंद्रिय भोगों के द्वारा पशु पाते हैं हम मनुष्य शरीर में पाई नहीं सकते कोई भी आनंद चाहे खाने का आनंद है सुअर जो खाने का मल में आनंद लेता है वो हम ना रस पुरने में दे सकते हैं ना रस मलाई में ले सकते हैं ना गरम हलवा में ले सकते हैं ना पाइना हलवा में ले सकते हैं हमें वो आनंद आ ही नहीं सकता जिस डिग्री का सुअर आनंद लेता है अब कोई कहे आप ऐसा कैसे कह सकते हो तो पिछले जन्मों के अनुभव से मैं ऐसा कह रहा हूँ कुछ याददाश्त है मेरी बनी हुई है अभी तक और शास्त्र भी इस बात को बता रहा भी है आप लोगों को तो पुण्य आत्मा होने के कारण पिछले जन्मों की याददाश्त होगी नहीं और होगी भी तो आप लोग तो स्वर्ग से आए हैं तो स्वर्ग का आनंद का अनुभव हो सकता है आपको हो लेकिन मैं पिछले जन्मों के आनंद के अनुभव से कह रहा अरे कबूतर है वो भी इंद्रिय भोग का आनंद जितना वो ले सकता है उतना हम नहीं ले सकते हाथी है हाथी का विहार इतना प्रसिद्ध है शास्त्र में कि हाथी हथिनी के लिए ऐसे सुंदर पत्तों को तोड़ करके कोमल कोमल पत्तों को तोड़ करके उसके लिए बिस्तर बनाता है हथिनी और हाथी का विहार का जो सुख है आदमी पूरा जीवन काल में मर जाएगा लेकिन उसको वो सुख एक बार में भी प्राप्त नहीं हो सकता जो एक बार में ही हाथी सुख पाता है ये संसार के सुख की शास्त्र वर्णन करता है यह मेरे पिछले जन्मों का अनुभव समझ लो कांटे का जो सुख पाता है ऊंट अद्भुत सुख पाता है हमें तो स्वर्ग का भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता जो कांटा खा करके सुख पा लेता है ऐसे सब जीव हैं जो अलग अलग प्रकार के संसार के जड़ सुख को इंद्रिय सुख को पाते हैं शास्त्र कहता है भागवत कहता है पहले स्कन के पांचवे अध्याय का अठारह में श्लोक कहता है अरे मनुष्य जीव तुमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है ये उन भोगों के लिए नहीं प्राप्त किया उस आनंद के लिए प्राप्त नहीं किया है तो हो, तो कोविद हो, अगर तुम कोविद हो अगर तुम विद्वान हो अगर तुम समझदार हो तो तस्व हेतु तो, उस हेतु तो के लिए प्रयत्न करो तो प्रयत्न करना चाहिए जो कहा नहीं मिला बोले न लभ्यते यद भ्रमताम उपर यद जो नहीं प्राप्त हो पाया न लभ्य ते जो नहीं लाभ मिला जिसका यद भ्रमताम जिसके लिए हम भ्रमण किए कहाँ कहाँ भ्रमण किए बोले उपर ऊपर भी गए और नीचे भी गए स्वर्ग लोक आदि में ब्रह्म लोक आदि में विचरण किया और नीचे पाताल लोक नर्क आदि में विचरण किया तो बीच वाले तो सब कवर हो ही गए ना बोले वो सुख हमें आज तक कभी नहीं मिला उसके लिए हेतु वो हेतु हमारा होना चाहिए हेतु हे के लिए मनुष्य शरीर मिला है बोले फिर संसारी सुखों का क्या हुआ भैया संसार में बढ़िया बढ़िया खाने घूमने ये सब सुखों के बारे में क्या है बोले तल लभ्य दुखवद अन्यता सुखम जैसे दुख आते हैं हमारे जीवन जीवन में तल लभ्य हमें दुख की प्राप्ति नहीं होती हम दुखों को भी तो प्राप्त करते ही हैं। दुखवत जैसे दुखवत दुख जैसे आता है वैसे ही अन्यतः सुखम संसार का जो अन्य सुख है जो कृष्ण भक्ति को छोड़ के सुख है जो कृष्ण नाम का सुख है जो संकीर्तन का सुख है बोले कालेन सर्वत्र बोले काल जो कि सर्वत्र है जो कि बहुत सूक्ष्म है जो कि कैसा है बोले विचरण करता है बढ़ता रहता है दौड़ता रहता है बोले कालेन सर्वत्र जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पे भी पीछा नहीं छोड़ता इस भौतिक जगत में उस काल के प्रताप से न चाहते हुए भी बिना प्रयास के जैसे दुख आता है वैसे ही भैया संसार संसार का सुख सुख भी आएगा इसलिए के के इस सुख के लिए, इस लिए इंद्रिय भोगों वाले सुख के लिए नौकरी चाकरी बिजनेस वगैरह गधा मजूरी वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए ये सब आएगा गाड़ी में घूमना अगर आपके भाग्य में है अनंत जन्मों के कर्मों से तो आपको गाड़ी में घूमने को मिलेगा अब तो जैसे मेरे को घूमने को मिलता है कई बार सुख भी आ जाता है जैसे नरसिंह प्रभु हैं वो भी मेरे साथ में घूमते हैं हालांकि वो पहले भी घूमते थे उनके पास कोई चीज का अभाव नहीं था लेकिन मैं बिखारी आदमी मेरे को भी प्रभुपा जी घुमाते रहते हैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने को मिलता है लोग बेचारे कमा कमा के मर जाते हैं उनको बड़ी गाड़ियां मिलती है घूमने के लिए बसों में घूमना पड़ता है उनको मेरे को छोटी गाड़ी में चार की गाड़ी में घूमने को देते भगवान खैर जो भी अनुभव करें सब सुख दुख संसार के ये सब हर व्यक्ति को प्राप्त होते ही है इसलिए कौन से सुख के लिए हमें यत्न करना होगा बोले यत्न करना ही है तो ऐसा यत्न करो ना कि जो आज तक मिला ही नहीं देवता बने तब भी नहीं मिला राक्षस बने तब भी नहीं मिला नीचे अधो में चले गए नरक में चले गए वहां भी नहीं मिला सर्वत्र संसार में विचरण किया कहीं नहीं मिला हाँ, सुख मोटा तो मिला वो सुख नहीं मिला कौन सा सुख जो कि कृष्ण कीर्तन से ही आता है आनंदाम अम्बुदी वर्धनम जो आनंद के रूप में प्राप्त होता है इस आनंद का तो हमें अनुभव ही नहीं है ब्रह्मा जी आदि को भी अनुभव नहीं होता तो हम लोग कैसे अनुभव करेंगे और न जाने कितने बार हम इंद्र ब्रह्मा आदि बनकर के भटक भटका करके आज यहाँ पर पहुंचे मनुष्य शरीर में हम चाहे तो अपने जीवन में इस भक्ति के सुख को पा सकते हैं तीन प्रकार के सुख होते हैं और उसके आधार पर व्यक्ति ऐसे दो प्रकार के सुख होते हैं उसके आधार पर तीन प्रकार के लोग पाए जाते हैं एक सुख है भोगों का सुख जो इंद्रिय सुख हमें प्राप्त होता है जो शरीर के स्तर का सुख है इससे परे है आत्मा के स्तर का सुख जो कि कृष्ण कीर्तन से प्राप्त होता है तो जो भोग के रूप में प्राप्त होने वाला है अब वो दो रीति से प्राप्त होता है एक तो हम उसके पीछे पीछे भागे भोगों को महत्व तो देते हुए कि भाई मेरे को हाँ पनीर मिलना चाहिए जाओ जाओ मार्केट में जाते चलो पनीर खरीद के लाते उसके लिए चलो पैसा कमाते हैं पनीर खाना है सब मटर पनीर की सब्जी खानी शाही पनीर की सब्जी खानी चिल्ली पनीर की सब्जी खानी इसके लिए आदमी भागता रहता है ये एक उदाहरण दिया जा रहा है किसी भी भोग वस्तु के लिए जो कि हमारी इंद्रियों के लिए विषय के रूप में उपस्थित है उसके पीछे भागना तो भोग के पीछे व्यक्ति भाग रहा है तो व्यक्ति ने भोगों को महत्व दिया इसलिए ऐसे लोगों को भोग प्रधान कहते हैं भोग प्रधान लोग जिनको ऐसा लगता है अगर हम नहीं गए लेने के लिए तो पनीर खत्म हो जाएगा दुकान तो से कोई दूसरा उठा के ले जाएगा इसलिए समय से पहले से ही जाकर के इकट्ठा कर लो भाई इस लड़की के साथ अगर शादी फिक्स नहीं हुई तो कोई दूसरा व्यक्ति शादी फिक्स कर लेगा इसके चलते जल्दी से जैसे तैसे करके शादी फिक्स कर लो शादी कर ही लो बस ऐसे प्रत्येक भोग के लिए व्यक्ति अपनी ओर से भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है ऐसे भागने वाले लोग भोग प्रधान लोग कहे जाते हैं जिन्होंने प्रधानता भोगों को दी है अब अनेक जन्मों के कर्मों के आधार पर भोग तो मिलने ही वाले हैं चाहे सुख रूप में मिले या दुख रूप में मिले लेकिन हम सुख रूप में मिलने वाले भोगों के पीछे भागते हैं क्या दुख के पीछे भी कोई भागता है लेकिन भोग रूप में दुख भी आते ही है कि नहीं आते उसके पास पहुंच ही जाते हैं इसलिए भागवत कह रहा है कि तुम भोग प्रधान मत बनो सुख के पीछे दूसरे होते हैं जो भोक्ता प्रधान होते हैं दो चीजें हैं भोग और भोगता जो भोगता प्रधान होते हैं वो भोग के पीछे नहीं भागते बल्कि भोग उनके पीछे भागता है लेकिन उसके लिए उनको पास भागवत की शिक्षा होनी चाहिए कौन सी शिक्षा बोले तल लभ्य दुखवत अन्यता सुखम बोले जैसे दुख आया है वैसे ही क्या सुख दौड़ के नहीं आएगा हमारे पास हमारे कर्म हमारा पीछा न छोड़ते हुए जैसे पुलिस किसी व्यक्ति को किसी के क्राइम के लिए पकड़ लेती है पीछे पीछे आकर के वो नहीं चाहता पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना लेकिन फिर भी देव नेत्र जैसे भगवान के द्वारा नेत्र स्थापित किए हैं भगवान के सूर्य के नेत्रों से हम परे नहीं जा सकते भगवान के देव नेत्र के रूप में चंद्र रूपी नेत्र से परे नहीं जा सकते अग्नि रूपी नेत्र से परे नहीं जा सकते वायु रूपी नेत्र से परे नहीं जा सकते दिशाएं रूपी नेत्र से परे नहीं जा सकते भगवान की नजर में ही हमारे सारे गोरख धंधे हो रहे हैं जो कुछ भी अच्छे काम कर रहे हैं उस पर भी भगवान की नजर है बुरे काम कर रहे हैं उस पर भी भगवान की नजर है इसलिए बुरे काम का जब फल का समय आएगा तो आकर के हमें पकड़ लेगा हम जहां भी होंगे काल के अधीन हो करके और अच्छे काम का फल भी हमारे पास निश्चित रूप से वैसे ही पहुंच जाएगा जैसे दुख हमारे पास पहुंच जाता है तो फिर हमें इन भोगों के पीछे क्यों भागना ये भी हमारे पास स्वयं आ जाएंगे उड़ के आएंगे कोई व्यक्ति को चाहिए कि भाई पनीर तो पनीर उसके पास उड़ के पहुंच जाएगा और ये सच बात है थोड़ा भरोसा करना चाहिए थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए लेकिन ये धैर्य केवल हाँ समझदार लोग धारण कर पाते हैं इसलिए एक होते हैं भोग प्रधान एक होते हैं भोग तीसरे जो होते हैं जो इस रहस्य को जानते हैं बोले तस्व हेतु तो प्रयोग बोले मेरे को तो प्रयत्न उस सुख के लिए करना था जो कि मैं आज तक पा ही नहीं सकता ये सुख आ गया है मेरे पास लेकिन मैं आने पर भी इस सुख को आश्रय नहीं दूंगा इस सुख को उन लोगों को बांट दूंगा जो इस सुख के पीछे पागल हैं अर्थात अगर मेरे पास लड्डू का डब्बा आ गया तो मेरा कर्तव्य ये होना चाहिए कि जो लड्डू के चलते भक्ति कर रहे हैं मैंने उन लड़, उन लड्डुओं को उस भक्तों को बांट देना चाहिए भैया तो तुम्हें लड्डू मिलेगा तभी तुम भक्ति करोगे नहीं तो तुम भाग जाओ एक काम करो ये लो लड्डू लड्डू खा लो और तुम भक्ति करने जाओ एक बालक था जब भी मैं मंदिर जाता प्रभु जी लड्डू दो ना गोरकुल का बालक था वो लड्डू मांगता था मेरे से तो कहीं से भी मेरे पास लड्डू आते थे तो मैं उसके लिए संभाल के रखने पड़ते थे बड़ों के लिए तो खैर मैं संभालता नहीं था मैं खुद ही खा जाता था लेकिन क्या करूं भगवान ने मेरे को जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से बांटने के लिए विवश कर दिया कि तेरे को शुगर कर देता हूं मैं तेरे बुरे कर्मों के आधार पर जिससे तुम लड्डू खा नहीं सकता लड्डू बांटना ही पड़ेगा फिर मैं कई बार छोटे बच्चों को लड्डू बांट देता था बड़ों को तो मैं नहीं बांटता आज भी नहीं बांटता हाँ कोई गेस्ट वगैरह आता है तो मजबूरी में उसको दे देता हूँ तो उसको देना ही पड़ता है फिर बाकी बड़े लोग बेचारे तरसती निगाहों से देखते रहते और मेरे कमरे में आकर के जहाँ भी लड्डू रखे रहते हैं निकाल निकाल के खुद ही गायब कर देते हैं बिना मेरे दिए ही गायब कर देते हैं क्यों उनको पता है कि ये खुद तो भोक्ता प्रधान बन करके बैठा हुआ है लड्डू इसके पास पहुंच गए लेकिन ये देना नहीं चाहता तो भगवान ये देखते हैं कि ये दे रहा है कि रखे रखा है फिर भक्त लोग क्या क्या सड़ाओगे इन को बांट नहीं सकते क्या? फिर मेरे को दुख लगता है हाँ भैया सड़ रहे होंगे तो ले जाओगे और वो क्या कर सकते हैं और वो ताकतवर होते हैं भक्त लोग जब आते हैं मेरे पास दो तीन के ग्रुप में आते हैं तो मजबूरी में देना ही पड़ता है और कोई उपाय भी नहीं अपने पास लेकिन सचेष्ट व्यक्ति वो है जो इस बात को जानता है कि भाई मेरा जीवन तस्सेव हेतु प्रयतित कोविद अगर मैं कोविद हूँ अगर मैं वास्तव में विद माने विद्वान को माने फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग अगर मेरे पास है मुझे अगर ये बात है कि नलभते यद ब्रह्मताम ऊपर यदह मैंने पूरा ऊपर नीचे अनंत जन्मों तक ब्रह्मांड में भ्रमण किया और मुझे वो सुख नहीं मिला जिस सुख के लिए मेरा अधिकार है भगवान का अंश होने के कारण भगवान के सुख पर मेरा अधिकार है भगवान का कैसे सुख है बोले अनंत सुख है आदि अंत वाला सुख नहीं आनंद वर्धनम कौन सा आनंद बोले वो आनंद जो कि मात्रा में अनंत है जिसको कि स्वयं ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को भरत जी जैसे पुत्रों को समझाया और कहने लगे ह देह भाजान निर्लोके कष्टान कामान बेड़ भुजाम ये अरे मल भोजी भोज। बेड़ भोज मतलब माने मल मल भोजी भोजी वेट वेट भोज भोज मतलब माने सुअर को कुत्ते को जो सुख उपलब्ध है वो सुख के लिए ये शरीर नहीं मिला तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्व शुद्ध है समात ब्रह्म सौख्यम तो तु अनंतम तुम उस ब्रह्म सुख को पाओ बेटा जो अनंत है स्वभाव से अनंत कैसा होता है वो तो हमारे दिमाग में कभी समझ में नहीं आएगा कि अनंत कैसा होता है ये अनंत सुख तो तब प्राप्त होगा जब हमें कृष्ण कीर्तन करते करते पहले साधक पक्ष में चार फल प्राप्त हो जाएंगे जो कि चार तरह की बीमारी हमारे जीवन में घुस गई है एक तो शीशा गंदा हो गया वो एक भयानक बीमारी दूसरी बीमारी हमारे जीवन में अनादि काल से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चालू हो गया भव महादावाग्नि रूपी बीमारी तीसरी बीमारी हमारे जीवन में प्रे की बीमारी घुसी हुई है संसार में श्रेय समझ ही नहीं आ रहा है प्रे में घुसे हुए इसलिए प्रे के पीछे भागते रहते हैं चौथी बीमारी बोले हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या वो है विद्या का अभाव दूसरे रूप में अविद्या रूपी बीमारी बोली ये चार बीमारियां जब तक दूर नहीं होंगी तब तक हम श्री कृष्ण संकीर्तन का जो अपना स्वाभाविक स्वयं का रस है वो हमें नहीं मिलेगा उसे हम अनुभूति नहीं कर सकते जैसे जॉइस के रोगी को गन्ने का रस पिलाया जाता है लेकिन गन्ने का रस उसको कड़वा लगता है और उसको ये उपदेश देने पड़ते हैं कि कड़वी औषधि भिन्न भी मिटे न तन का ताप बोले शरीर का जो बुखार है भैया कड़वी औषधि खानी पड़ती है इसलिए तुम्हें जॉन्डिस के रोग से अगर बाहर आना है तो तुम्हें ये कड़वा रस पीना पड़ेगा रस कड़वा नहीं है उसको ये उपदेश देना पड़ रहा है कि कड़वा रस पीना है गन्ने का रस मीठा रस है तो जैसे ही गन्ने का रस पीते 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 पीते, पीते उसकी बीमारी चारों ठीक हो जाएंगी जैसे जॉन्डिस की बीमारी ठीक हो जाती है ऐसे ही कृष्ण नाम रूपी रस को जब वो कोई व्यक्ति पान करता है और उसकी चारों बीमारियां जब ठीक हो जाती हैं तब पांचवा फल के रूप में जो वास्तविक फल था अभी तक तो कृष्ण नाम का ये मुख्य फल आया ही नहीं था ये तो कृष्ण नाम के चार गौन फल हैं जैसे गन्ने के रस का गौन फल है कि उसकी बीमारी को ठीक करना और उसके बाद स्वयं का स्वाद चखाना गन्ने का रस का स्वाद जब बीमारी ठीक हो जाएगी तब उसको चखने को मिलेगी तब वो सुख अलग सुख अलग है अभी तो बीमार व्यक्ति की जिसकी की एक एक नस नस में दर्द हो रहा है और वो व्यक्ति को कहा जाए तुम आनंद ले रहे हो ये लो आनंद ले लो इस बिस्किट का आनंद ले लो इन सब गन्ने के रस का उसको आनंद नहीं आएगा सबसे पहले तो उसकी बीमारी ठीक होनी चाहिए जो व्यक्ति बीमार है उसको क्या आनंद आएगा पहले तो नॉर्मल स्थिति में तो आ जाए तभी तो चीजों के रियल टेस्ट को समझ पाएगा इसलिए कृष्ण नाम का जो स्वाद है कृष्ण नाम का जो आनंद है वो साधकों को नहीं प्राप्त होता वो सिद्ध अवस्था में प्राप्त होता है इसलिए जब तक ये चार बीमारियां लगी हुई है हर व्यक्ति को न चाहते हुए भी दवाई की तरह इस कृष्ण नाम को लेना पड़ेगा इस कृष्ण भक्ति को लेना पड़ेगा ये बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी कड़वा है सुबह उठना कड़वा है मंगल आरती करना कड़वा है पढ़ना लिखना कड़वा है लेकिन और कोई उपाय भी नहीं भाई इस बीमारी को ठीक किए बिना आप सुख को पा भी नहीं सकते सुख को पाना तो बीमारियां तो ठीक करनी पड़ेगी इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है वो भोक्ता प्रधान भी नहीं बनता जानता है मुझे वो सुख चाहिए तो ये सुख तो आया मेरे पास लड्डू आए मेरा कर्तव्य इस लड्डू को मैं दूसरे लोगों को बांट दूं जो लड्डू की वजह से भक्ति कर रहे हैं ऐसे लोगों को लड्डू को दे देना चाहिए और फिर वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेगा फिर वो भी एक दिन ऐसा भोक्ता प्रधान न हो करके वो भी भक्ति प्रधान बन जाएगा उसे भक्त कहते हैं अभी तो हम लड्डू के भक्त हैं हम वो भक्त कहाँ हैं जिन्होंने वो आनंद चखा हो इसलिए कृष्ण नाम का जो आस्वादन है ये पांचवे फल के रूप में हमें प्राप्त होगा जो किसी और का आस्वादन नहीं है ये स्वयं कृष्ण का रस है भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम जन ये पांचों की छह की छह चीजें स्वयं कृष्ण है और इसका स्वयं का रस हमें प्राप्त होगा कैसा रस है जिसको रामायण में जब भगवान राम का नामकरण किया जा रहा था तब तो भगवान के नामकरण को लेकर के वशिष्ठ मुनि ने घोषणा किया ये स्वयं ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि आनंद के समुद्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि क्या कह रहे हैं ये आनंद के सिंधु के सुख की राशि हैं। और चैतन चरता चरताम चरताम्रत चेतन में महाप्रभु क्या कह रहे हैं आनंदाम वर्धनम ये कृष्ण कीर्तन भी वही आनंद का अम्बुदि है आनंद का वही समुद्र है इसलिए वो क्या रहे कह रहे हैं बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद के समुद्र की जो राशि है सुख की बोले सारा संसार में जो लोग आनंद ले रहे हैं ना इंद्रिय भोगों का और हर जीव आनंद ले रहा है चर अचर भी आनंद ले रहे हैं पेड़ पौधे भी हवा में बड़ा घूम घूम झूम झूम के आनंद लेते हैं वहां भी लताओं का नर मादा का पेड़ और लता का समागम होता है संसार में जैसे स्त्री पुरुष का आनंद लोग सबसे बड़ा आनंद समझते हैं या स्वर्ग की अवसराओं का आनंद देवलोक में प्राप्त होता है सब आनंद जड़ योनियों में भी प्राप्त होता है वहां भी परागन होता है हवा मादा के के परागों को लेकर जाती है और वृक्ष से मिलाती है वहां भी वृक्ष झूमने लगता है आनंद का अनुभव करता है चर अचर सारी सृष्टि में बोले शीकर ते त्रै लोक के पिपासी सुपासी अर्थात शीकर मतलब जैसा हम बता रहे थे भगवान की उस समुद्र में से एक बूंद के सैकड़ों टुकड़े किए जाएं और उसमें अनंत जीव गुजारा कर रहे हैं श्री करते लोक के सुपासी और इतने तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि बस यही सुख है ये कितनी बड़ी विडंबना है कि अनंत जीव कितने होते पहले तो हम इसी को नहीं समझ सकते और भगवान की उस एक बूंद के छीट में से सारी तिरिलो की गुजारा कर रही है और हमें वो आनंद रूपी समुद्र मिल जाए बोले वो समुद्र मिल जाता है भक्त को लेकिन कैसे मिलता है जब वो भजन करता है भक्ति प्रधान बन जाता है कथा आदि श्रवण करने का हम कह रहे हैं भैया और भाषण देकर के जी फटाफट अंदर चली जाती है लेकिन जैसे ही सामने खीर आती है ना चाहे गुड़ की बनी हुई हो थोड़ी सी चीनी तो खाते नहीं तो गुड़ की बनी हुई खीर पे सोचते हैं थोड़ी और मिल जाए तो कितना अच्छा होगा थोड़ी और मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ऐसा मन में नहीं आता कि थोड़ा और जब हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा थोड़ा सा और कीर्तन कर लें तो कितना बढ़िया हो जाएगा थोड़ी और हरी चर्चा कर लें गीता पढ़ लें तो कितना अच्छा हो जाएगा अभी तक वो दूर दूर तक स्वाद जरा सा भी अनुभव में नहीं आया बहुत थोड़ा सा मात्र आया है गुरु वैष्णव की दया से अगर वास्तव में तीव्रता के साथ इसलिए भागवत में कहा तीव्र न भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम तीव्रता भाषण तो तीव्रता का हमने भी दे दिया लेकिन अपने खुद के जीवन में वो तीव्रता नहीं साधु लोग कृपा करें गुरु लोग कृपा करें आप भक्त लोग कृपा करें तो एक दिन हमारे जीवन में नहीं आ सकता है लेकिन चर्चा जरूर करने की चेष्टा करते हैं जिससे कि थोड़ी बहुत मात्रा में दिमाग में तो ये बात बैठ जाए कम से कम एक न एक दिन दिमाग में बात बैठ जाएगी जैसे रोज रोज दिमाग में घर वाले बात बिठा देते बेटा पढ़ तू पढ़ 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 के पढ़ तू पढ़ता क्यों नहीं ठीक से तेरे को नौकरी करनी है नौकरी करनी है अपने पैरों पे खड़ा होना है एक दिन ये दिमाग में बात बैठ जाती है हाँ भाई मेरे को अपने पैरों पे खड़ा होना है नौकरी करनी है मेरे को पढ़ना है चलो ध्यान से पढ़ लेता ऐसे ये चर्चा का यही उद्देश्य है कि हमारे दिमाग में ये बात कम से कम बैठ तो जाए जो आचार्यों ने अपने भजनों के माध्यम से जैसे सूरदास जी हैं उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पदों की रचना की और उन्होंने श्री कृष्ण नाम की महिमा को बड़ा सुंदर वर्णन किया वो क्या कह रहे है? बोले तुम जीव से केवल भगवान का नाम रटो ना तुम्हें अद्भुत रस मिलेगा वो आनंद मिलेगा जो समुद्र जैसा है क्या कह रहे हैं वो जब ते रस नाम क्यों रे जब से बोले इस रचना ने नाम जब चालू किया है ना तब से क्या हो गया मानो धर्म साधी सब बैठो समझ लो उसने सारे धर्म साध लिए अब उसको अलग से किसी धर्म को साधने की जरूरत एक चीज साध लो बस एक साधे से ही सब साध जाएंगे जब ते रसना नाम कयो रे जब से रसना कृष्ण कयो रे मानो धर्म साधी सब बैठो पढ़ देखो रे अब पढ़ने के लिए और क्या बाकी रह गया इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं अपने मित्रों को पढ़ो रे भाई कृष्ण गोविंद मुरार कृष्ण गोविंद को पढ़ लो सब पढ़ाई हो गई बोले ये कैसे प्राप्त होता है भजन कृष्ण नाम को रचना कैसे रटेगी प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते ये गुरुजी जब ज्ञान देते हैं तब अंधकार चित्त का जाता है और तब चित्त में कृष्ण नाम की महिमा प्रकट होती है फिर क्या मन में आता है बुद्धि दधीमय बोले जैसे दही का मंथन किया घी निकला दधी मत अब ले घी को ले लेगा उसकी बुद्धि अब सार वस्तु को पकड़ने लग जाएगी दही खराब हो जाएगी दूध खराब हो जाएगा लेकिन घी खराब नहीं होता घी सार का भी सार है तो सार निकाल लेता है वो व्यक्ति और बोले जो खट्टी छाछ है जिसको मही कहते हैं बोले तजो महोरे उसने खट्टी छाछ को छोड़ दिया लेकिन जब तक घी नहीं मिल रहा है उसको तब तक तो उसको छाछ की वैल्यू पता हो तो छाछ ही ग्रहण करेगा संसार के जितने भी विषय रस हैं ये सब उस खट्टी छाछ की तरह हैं जो बाद में खट्टापन भी अनुभव कराएंगे जब तेरस नो रे सार को सार सकल सुख को सुख ये सारे सुखों का सुख है जितने भी सुख हैं जैसे बता रहे ना बूंद का भी सैकड़ों ऐसा हजारवा हिस्सा कह सकते हैं अनंतवा हिस्सा हमारे हिस्से में तो अनंतवा हिस्सा अनंत जीवों में वो छीट बट गई ना तो हमारे हिस्से में उस छीट का भी अनंतवा हिस्सा आ रहा है कौन सा बहुत बड़ा है लेकिन ये सुख भी संसार का विषय सुख वहीं से तो आ रहा है सार तो वही है ना इसलिए इन सुखों का भी स्रोत वही है सार को सार सकल सुख को सुख हनुमान शिव जाने रे अरे हनुमान जी ने ऐसे ग्रहण किया रात दिन कीर्तन करते रहते शिव जी ने ग्रहण किया इसको शिव जी निरंतर समाधि करोड़ों करोड़ों वर्षों की समाधि लगा लेते हैं इस भजन को करते में जब ते रसना कृष्ण जब ते रसना राम कयो रे। नाम प्रतीत भई जा जन को लेकिन सबको नहीं जिसको नाम की प्रतीति नाम की पहले प्रतीति होगी अनुभूति होगी जैसे कहते हैं जाने ते हो प्रतीति प्रती हो प्रीति किसी भी चीज को जानते हैं तो उसका जैसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल अनुभव होगा ना थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल अनुभव क्या होगा इसलिए ये एक प्रकार से जान रहे हैं उसके बाद प्रतीति होगी अनुभूति होगी उसके बाद स्वाद चखने को मिलेगा प्रीति हो जाएगी नाम प्रतीत भई गयो रे अरे उसने आनंद चख लिया और उसका सब दुख दूर चला गया कौन सा दुख था बोले जड़ सुख जो था इंद्रियों का जो सुख हमें प्रतीत हो रहा था वो तो भाई दुख था सब दुख दूर चला गया जब ते रसना राम सूरदास धन धन वह प्राणी अरे वो जीव धन्य है जैसे हमारे गुरु महाराज हैं निरंतर नाम रस का आस्वादन करते हैं बोले वो प्राणी धन्य है ऐसे गुरुजन धन्य है प्रभुपा जी धन्य है जिन्होंने एक पेड़ के नीचे उस कीर्तन को चालू किया जो हरि को व्रत ले रे लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है ये व्रत लेना पड़ता है कि भाई जब तक ये बीमारी ठीक नहीं होगी मैं दवाई लेता रहूंगा ये व्रत है शुरुआत में व्रत लेना पड़ता है लोग आते तो बहुत हैं इस सुख को पाने के लिए लेकिन कोई कोई व्यक्ति ही इस व्रत को निभा पाता है नहीं तो बैग गियर लग जाता है सोलह माला से आठ माला आठ चार चार। थोड़े समय बात कहते अब मैं जब करता ही नहीं प्रभु जी अब जब होता ही नहीं इतनी बेसर आ जाती है सामने मुंह पर कहते अब जप नहीं होता कथा सुन लेता हूँ कभी कभी लेकिन अब जब छोड़ दिया कीर्तन छोड़ दिया मंगल आरती छोड़ दी सब चीजें धीरे धीरे बोले सब छूट गया ये इतना आसान भी नहीं इसलिए जड़ आनंद को छोड़ करके तो समझना ही बहुत मुश्किल है और अगर समझ में आ जाए तब जाकर के ये आनंद मिलता है जो शाश्वत आनंद है जहाँ काल का भय नहीं है संसार में नोटों के आंकड़ों का आनंद है लेकिन काल का भय अंदर से खटकता रहता है मर गए तो फिर तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा नॉमिनी को जबरदस्ती नॉमिनी बनाना पड़ता है बैंक वाले जबरदस्ती करते हैं हम नॉमिनी नहीं बनाना चाहते ऐसा लगता है हम छाती पे रख के ले जाए इसको लेकिन क्या लेके जा सकता है और दूसरा व्यक्ति बैठे बैठे उसको पा लेता है हम सोचते कल खाएंगे इसको कल भोग करेंगे कल भोग करेंगे बैंक में रहने दो बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है ना बढ़ने दो और नॉमिनी के नाम में लिख के चले जाते टपक जाते कल कल के चक्कर में दूसरा व्यक्ति निकालता है आनंद लेता उड़ाता है तो संसार का जो सुख है जहाँ काल का भय है साथ में जिस सुख के पीछे खा रहे हैं लड्डू खा रहे हैं मेरे को भी लड्डू बढ़िया लगता है हलवा बढ़िया लगता है लेकिन पीछे से काल का भय भी लगता है बेटा डायबिटीज बढ़ जाएगी मरना पड़ेगा अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है अचानक से ब्रेन हेमरेज हो जाएगा अचानक से पेरालाइसिस हो सकता है खा तो रहे हैं, साथ में दिमाग में पीछे खटक भी रहा है और नहीं खाना भाई बस इतने से गुजारा कर लो ये सुख में कहा सुख है पीछे से तो दिमाग में खटक ही रहे इसलिए कोई भी सुख को लेकर के प्राय भय बना रहता है काल का भय बना रहता है लोगों का भय बना कोई आ ना जाए भाई किसी को पता ना चल जाए हम इन भोगों को भोग रहे हैं किसी को पता चल गया तो क्या बेजती हो जाएगी क्या हो जाएगा अरे ये सुख है क्या संसार में ये कोई सुख नहीं है यहाँ तो निरंतर भय साथ में जुड़ा रहता है दुख साथ में जुड़े रहते हैं लेकिन जो आनंद भगवान देना चाहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से वो आनंद शाश्वत आनंद है वो आनंद समुद्र के जैसा आनंद है और वो आनंद समुद्र के जैसा ही नहीं आनंदाम अम्बुदी वर्दानम वो आनंद बढ़ते भी रहता है ये श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा है हम सभी संकीर्तन को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं और इसको धीरे-धीरे निभाने की चेष्टा करें बढ़ाते चले जाएं और जीवन को सफल बनाएं ये भक्तों की संगति में ही होगा अकेले की बस की बात नहीं इसलिए भक्तों के सानिध्य में अगर हम आ जाते हैं तो नजरों में रहते हैं कौन जब कर रहा है कौन नहीं कर रहा है कौन कितने बजे तक सो रहा है कौन क्या कर रहा है इसलिए सोना जागना उठना बैठना सब भक्तों के साथ होगा ना तब बच पाते हैं हम विषयों के आनंद से अकेले में तो भैया खाली दिमाग शैतान का दिमाग तो शैतानी चलती है पता नहीं आपके दिमाग में चलती है कि नहीं मेरे दिमाग में तो शैतानी चलती है इसलिए मैं आप सब भक्तों का शीघ्र शीगर सानिध्य की कामना करता हूँ आप सब मेरे हित के लिए कम से कम मेरे ऊपर दया करें सब अपना सानिध्य दे देने के लिए जल्दी से प्रयास करें धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए आनंद की बात थी इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ले लिया अक्षमार्थी वैसे इतना लंबा नहीं लेते हैं। लेकिन थोड़ा आनंद की चर्चा थी धन्यवाद सभी का बोलो श्री चैतन्य शिक्षा की जय श्री प्राध की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आप सब भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण